राजधानी देहरादून में नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान निगम की टीम और अतिक्रमणकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के चलते अतिक्रमणकारियों की एक ना चली और निगम की टीम ने भी सड़क किनारे अतिक्रमण को हटाया, साथ ही फुटपाथ को भी खाली करवाया। इसके अलावा कुछ दुकानदारों के चालान भी काटे गए। बता दें कि राजधानी देहरादून के फुटपाथ पर लोगों ने अतिक्रमण किया था, जिसकी सूचना निगम प्रशासन को दी गई। हालांकि निगम की ओर से कई बार इन फुटपाथ को खाली कराया गया, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने पुनः इन पर कब्जा कर लिया। नगर निगम के कर निरीक्षक नेपाल सिंह ने बताया कि इस तरह का अभियान आगे भी जारी रहेगा। आज तहसील चौक से प्रिंस चौक, सहारनपुर चौक, पटेल नगर से ISBT तक अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया। आज जो चला गया है नगर निगम और पुलिस प्रशासन के साथ में, हमने तहसील से और ISBT तक जो भी फुटपाथ पर ठेली, बोर्ड आदि जो भी हमें सामान मिला वो जब्त किया गया और करीब 6600 रुपए के हमने चालान भी किए और पुलिस प्रशासन का सहयोग लेकर के हमने काफ़ी अच्छा सहयोग किया। उसके बाद हमने आपका नेहरू कॉलोनी में भी चलाया, नेहरू कॉलोनी से भी काफ़ी सामान जब्त किया गया और कुछ चालान किए गए। कुछ जगह विरोध भी हुआ। कुछ जगह काफ़ी लोगों ने कहा कि हम CM तक बात करेंगे, ये करेंगे, लेकिन हमने कहा भाई हाथ जोड़ के हमारी तो विनती है कि जो हमारा काम चल रहा है इसमें बाधा ना बने। शुरू हो जाता है उसी के उसमें क्रम में आगे बढ़ता है कि हम पहले अनाउंसमेंट कर चुके हैं, सबको कह चुके हैं कि फुटपाथ पर किसी प्रकार का भी कोई भी अतिक्रमण सहन नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ व्यापारी लोग ऐसे हैं कि हम आगे निकलते हैं उसके बाद दोबारा फिर लगा देते हैं। उस पर हम अधिकतर अधिक दबाव बना करके सहयोग ले करके उन्हीं पे ज़्यादा कार्रवाई करते हैं।